टेंथ ग्रुप के, लेकिन तीनों की तीनों कॉन्फ़िगरेशन क्या, तीनों के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, यहाँ डी 8 है, यहाँ डी 10 है और यहाँ डी 9 है। बोलो समझ आया है आसान। चलो देखो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या कर रहे हैं, सारे ब्लॉक्स को सेपरेटली सेपरेटली पढ़ रहे हैं। तो एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, आज बात कर रहे हैं किसके बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। वैसे आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन हम फिर से देख रहे हैं ना। तो हम लोग थर्ड बात कर रहे हैं किसके बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जैसे ही मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, ओवरऑल 40 एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, ओवरऑल 40 एलिमेंट्स हैं। अभी देखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है या इनकम्प्लीट फिल्ड होता है। तो हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट फील्ड, इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी ग्राउंड स्टेट या फिर उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, जो डी ब्लॉक है वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, है ना। अब अगर एक और बात करें तो देखो क्या हम बोल सकते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड यूयूवी, ये चार एलिमेंट जो है आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। देखो आर कंसीडर्ड एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू कंप्लीट फील्ड अरे बोलो, डी ऑर्बिटल्स ड्यू टू कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स। अब मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा दिए थे, अगर आप सारे क्लासेस ले रहे हो स्टार्टिंग से तो फिर आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। तो मैं यहाँ पे उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ पढ़े। क्लियर है? चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, याद है। तो अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, फोर्थ पीरियड से, या उसी को हम बोलते हैं 3D सीरीज, या उसी को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट कहां से आते हैं, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 30। क्लियर है? देन उसके बाद आता है फिफ्थ पीरियड, या उसी को क्या बोलते हैं, 4D सीरीज, या फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, है ना। और यहां पे एलिमेंट कहां से कहां तक आएंगे बेटा, सेकंड ईयर यट्रियम इज 39, और सेकंड ईयर लाएंगे एसी, और यहां पे जिंदगी कैनेडा कैडमियम कितना होगा, 48 होगा भाई। देन क्या आएगा,
सिक्स पीरियड, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5D सीरीज, या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और उसमें एलिमेंट कहाँ से आएंगे, लैंथेनम कितना होता है 57, और यहाँ पर क्या आएगा, आएगा मरकरी। बोलो मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80। तो और लास्ट सेवेंथ पीरियड, जिसको आप क्या बोलते हो, 6D सीरीज, या फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसमें एलिमेंट कहां से आते हैं, एक्टिनम, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, और एक्टिनम इज 89, और यहां से कहां तक आते हो आप, UUB अनअनबीएम 112। तो टोटल एलिमेंट देखो यहां पे कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स। यहां पे भी कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स, यहां पे भी 10 एलिमेंट्स, और यहां पे भी 10 एलिमेंट्स। जरा काउंट करो टोटल कितने हुए, टोटल डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 40 एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी हम लैंथेनम को यहीं पे लिख रहे हैं डी में, है ना, कि लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मली लैंथेनम इज कंसीडर्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना, लेकिन लैंथेनम के एफ ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे भी इसको डी में लिख रहे हैं, है ना। हाँ, कन्फ्यूज मत हो, अभी आप एफ ब्लॉक में टोटल 28 इलेक्ट्रॉन 28 एलिमेंट्स ही मान के चलो, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत हो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। बोलो इतना क्लियर है, तो कितने एलिमेंट हो गए, 40। जरा बताओ 40 एलिमेंट तो ये हो गए डी ब्लॉक के। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं यहां पे लिखता हूं, जरा देखो एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट थे बेटा, 14। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट थे, 30। और डी ब्लॉक में कितने हो गए बेटा, कितने एलिमेंट हो गए, 40। तो कितने हो गए, 40 30 70, 70 और 14 84 एलिमेंट। अब 84 एलिमेंट आपके पास आ चुके हैं। बोलो क्लियर है, शाबाश। तो बोलो यहां तक कोई डाउट है, नहीं, एक बार इसको नोट करो, फिर देखते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं ना, करो जरा नोट। चलो देखो और भी चीजें देखते हैं जरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। देखो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो याद करो, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा था, एस सब शेल में। अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट थे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा था, एस सब शेल में। पी ब्लॉक के एलिमेंट थे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा था, पी सब शेल में। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा, डी सब शेल में एंटर करेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल, है ना, डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें, इन डी सब शेल। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगी, ns 1 या 2 और n माइनस 1 डी 1 to 10, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कई बार आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी जाती है तो वो पता होनी चाहिए, क्लियर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns 1 से 2 और n माइनस 1 डी 1 to 10, है ना, बोलो क्लियर है। चलो अब देखो, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल
अवेलेबल होता है। बोलो क्लियर है। अब वेरिएबल मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे, देखो जरा देखते हैं एलिमेंट्स। जैसे मैंने बोला स्कैंडियम है ना, हम लोग सिर्फ 3D सीरीज की बात कर रहे हैं अभी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले तो याद रखना है कॉपर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Ni +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, CO +2, +3 और +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, आयरन नॉर्मली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैं मोस्ट कॉमन लिख रहा हूं जो आपको नॉर्मली मिलेंगे। मैग्नीज +2 भी शो करता है, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी और +7। यानी 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैग्नीज शो करता है। कौन करता है? मैग्नीज। क्रोमियम कितनी शो करता है? +2, +3, +4, +5 और +6। वेनेडियम कितनी शो करेगा? +2, +3, +4 और +5। अब ये याद रखना है। टाइटेनियम कितनी शो करेगा? +2 और +3 और +4। और स्कैंडियम बेटा सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो याद क्या क्या होना चाहिए? एक तो क्या याद होना चाहिए कि कॉपर +1, +2 शो करता है, जो मोस्ट कॉमनली मिल रहा है आपको। जिंक +2 शो करता है, आयरन +2 और +3 शो करता है, मैग्नीज तो यार सारे ही याद रखना है, मैग्नीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जब KMnO4 को पढ़ोगे ना डिटेल में तो आप मैग्नीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा ना, देन फिर क्रोमियम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या याद रखना है? स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4 और वेनेडियम +5। एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। बोलो क्लियर है? कर पाओगे? चलो एक बार नोट करो इसको, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। चलो चलो तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है बेटा, देखो मैं लिखता हूं कि डी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करते हैं। देखो पहले आपको एक चीज समझाता हूं। नॉर्मली आप अगर किसी भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप की कॉन्फिगरेशन लिखते हो, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं है ना, एक एग्जांपल लिया मैंने लिया कोई सा भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने लिया जिमनी कैनेडा हैगी, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी? आर्गन 18 4s2 3d10। इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी? क्रिप्टन 36 और 5s2 और 4d10। देन मर्करी ज़ेनॉन 54 ही होगा ना ज़ेनॉन, और 6s2 और 5d10। ये कॉन्फिगरेशन है ना, या और किसी की ले लो है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, मेरा एग्जांपल है कौन सा लूँ, मैग्नीज वाला ले लूँ, मंतकरे, तो अगर मंतकरे लेंगे यानी मैग्नीज टेक्नीशियम और रेनियम, तो यहाँ पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर्गन 18 4s 2 और 3d5। यहाँ पे होगी क्रिप्टन 36 और 5s2 और 4d5। देखो 4d5 बहुत ध्यान से देखना बेटा, और यहाँ पे ज़ेनॉन 54 और 6s2 और 5d5। यानी हर बार हो क्या रहा है, अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन हर बार क्या आ रही है? सेम आ रही है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। और कोई सा लेके देखें? चलो एक और लेके देख लेते हैं कोई और, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। स्कैंडियम वाला ले लो या तो, या टाइटेनियम वाला ले लो। टाइटेनियम
टी जरा हाफ याद है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना था 22, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आर्गन 18 4s2 और 3d2, ये क्या हो जाएगा क्रिप्टन 36 5s2 और 3d2 4d2 बेटा 4d2 और ये क्या हो जाएगा बेटा ज़ेनॉन 54 और 6s2 और 5d2। यानी देखो लास्ट वालों की फिर से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है सेम हो रही है। तो नॉर्मली हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी सेम होगी। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है ग्रुप विच कंटेन्स डिफरेंट आउटर मोस्ट, ग्रुप विच कंटेन्स आउटर मोस्ट डिफरेंट, ऐसे लिखते हैं डिफरेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ग्रुप विच कंटेन्स डिफरेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो डी ब्लॉक का ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होती है, तो बताओ कौन है। देखो मैं आंसर आपको बता देता हूं, आंसर इज 10th ग्रुप। कौन सा ग्रुप 10th ग्रुप, और 10th ग्रुप में कौन आता है, 10th ग्रुप में आता है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और ये ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है ना, 28 इसका एटॉमिक नंबर है ना। अब आप आगे 18 और प्लस करते जाना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, Ni के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 4s2 और 3d8। अगर पैलेडियम लिखोगे तो आर्गन के बाद क्या है क्रिप्टन 36, ये होती है 4s0 3d10। देखो आगे ना इंपॉर्टेंट, यहां पे 4s0 और 3d10 हो गया। अगर प्लेटिनम लिखोगे तो ज़ेनॉन 54 और 5s0 4d10 बेटा है ना, और यहां पर 54 6s1 और 5d9। देखो तीनों के तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप के 10th ग्रुप के, लेकिन तीनों की तीनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तीनों के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, यहाँ d8 है, यहाँ d10 है और यहाँ d9 है। बोलो समझ आया है, आसान समझ पाओगे पक्का। चलो जरा एक बार नोट करो है ना, और इतना ही है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कर लो जरा नोट।